लोकसभा का जो चुनाव है उनका परिणाम जो है आज आने वाला है और करीब अभी 12:30 बजे है और 12:30 बजे तक के देश का आधे सर्वे आधा जो है परिणाम जो है यहाँ पर आ चुका है। हम महाराष्ट्र की पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो है बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगते हुए दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा नागपुर जी जो सीट है नितिन गडकरी जी जो है यहाँ पर आगे चल रहे हैं और विकास ठाकरे जी जो है वो पीछे चल रहे हैं। क्या स्थिति है फिलहाल की? मेरे साथ में जो है युवा एनालिस्ट है नागपुर के अथांग है मेरे साथ में और पत्रकार भीमराव लोनारी जी है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पे जो है हम लोग शुरू से ही ग्राउंड रिपोर्ट में रहे हैं और स्थिति भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की बताई है और जहां तक के WH न्यूज ने सर्वे भी किया था महाराष्ट्र का। लेकिन अभी नागपुर की सीट की क्या स्थिति है, उनके आंकड़े कहां तक आए हैं, मैं अतंग से जानना चाहूंगा। अतंग, WH न्यूज में आपका स्वागत है, क्या बताएंगे नागपुर की स्थिति अभी फिलहाल की, क्या स्थिति है? नागपुर की स्थिति ऐसी है सर कि देखा जा रहा है कि जैसे नितिन गडकरी जो 40,000 के आसपास 45,000 के आसपास लीड बनाए हैं, 45,000 का लीड और उन्हें 2,36,000 का अभी तक जो 12 राउंड हो चुके हैं उसमें उनका वोटिंग आ चुका है। सेकंड नंबर पे जो आए हमारे विकास ठाकरे जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए थे, इस बार टफ फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और 45,000 से वो पीछे चल रहे हैं, 1,88,000 उनके अभी मतदान चालू है। हो सकता है ये जो अनुमान जो है पूर्व नागपुर का लगाऊंगा इसका जो परिणाम है अभी उत्तर नागपुर पश्चिम नागपुर का आने के बाद में कुछ चेंज हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कि रुझान जो 1 बजे तक हमारे पास में आए उसमें काफी बदलाव होने की संभावना है और जैसे हम देखते हैं कि नागपुर में दो कैंडिडेट जो टफ फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक और फैक्टर देखने लायक बात है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं दिया था और उसका डायरेक्ट सपोर्ट डायरेक्ट फायदा हमें विकास ठाकरे की तरफ देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से और भी आगे हम आएंगे भंडारा की और भी आएंगे भंडारा की भी आंकड़े जानेंगे। मैं भीमराव लोनारी जी के तरफ में जाऊंगा। लोनारी जी, महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कारण हो सकता है, कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चूक हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 45 बार करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन उनका जो आकलन जो है जो गणित था वो फेल, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता और जागरूक जनता, यहाँ पे ऐसी हो गया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे राजनीति की वो राजनीति को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, महायुति को नकारा है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, बिल्कुल, और अच्छा चल रहा था कार्यकाल उनका, अच्छा चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से यानी ये तोड़ मरोड़ की जो राजनीति की राजनीति हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बिल्कुल, उसका परिणाम जो हुआ ये अभी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में दिखने को मिल रहा है। अभी देखो राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसको भी तोड़ा गया, शरद पवार जी के साथ में अजीत दादा थे लेकिन उनको अपने पार्टी में लिया गया। ठाकरे के साथ में शिंदे जी थे, उनको अपने साथ में लिया गया। ये जो राजनीति ये यानी कहीं तो भी महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद आई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खटक रही थी ये, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में ये जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं भाजप और महायुति को जो परिणाम यानी जो लोगों ने नकारा है ये उसी का परिणाम। और यहाँ पर शिंदे और जो अजीत दादा जो है उनको भी बहुत बड़ा झटका लगते आ रहा है क्योंकि शिंदे के जो 10 उम्मीदवार जो है वो पीछे चल रहे हैं और अजीत दादा के चारों उम्मीदवार यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और खास करके जो है भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। मैं विदर्भ की बात करूंगा। हाँ, पहले विदर्भ की बात करेंगे। विदर्भ में बोले थे कि 10 से 10 सीटें हम जीतेंगे, कौन बोल रहे थे? प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी। विदर्भ का जो है WH सर्वे दिया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा WH न्यूज का मैं अभिनंदन करूंगा महाराष्ट्र में और उन्होंने बताया भी, देखो विदर्भ में 10 की 10 सीटें बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आज
स्थिति क्या है आप देख रहे हैं, 7 सीटें यहां से 7 सीटें निकल रही है। किसको बोलते हैं? विदर्भ से। विदर्भ की बात कर रहा हूं। किसकी निकल रही है? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी की 7 सीटें निकल रही है और महायुति पीछे आगे विदर्भ में और महाराष्ट्र में। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। जो है महायुति को जो है 17 सीट लीड पे चल रही है और महाविकास आघाड़ी 30 सीट पर लीड कर रही है और 1 सीट पर अन्य जो है अपक्ष जो है वो बहुत बड़ा लीड जो है यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण मैंने एक ही बताया। देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार से जो मतदाता है वो त्रस्त हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये रिजल्ट लोगों जी का कहना है कि महाविकास अपना युति को जो है लोग त्रस्त हुए थे। अतः हम क्यों आएंगे, अतः के तरफ से हम जानेंगे कि भंडारा में फिलहाल स्थिति क्या है। मतलब फिलहाल हम जो आंकड़े दे रहे हैं ये जो है चुनाव आयोग के लेटेस्ट आंकड़े है, वहां पर कौन लीड है और कौन पीछे है वो जानेंगे। अतः क्या बताएंगे भंडारा की स्थिति क्या है? भंडारा की स्थिति जैसे कि मैं अभी वो वेबसाइट जो हमारे पास में आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भंडारा में हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रशांत पडोले महाविकास आघाड़ी के थे, ये लगभग 150,000 से उनके इतना वोटिंग हो चुका है। अच्छा। और उनकी लीड अभी 1400 की है फिलहाल में और जो ट्रेल कर रहे हैं कांटे की टक्कर वहां पे चल रही है। कांटे की टक्कर एकदम बिल्कुल। जो सुनील मेंढे है जो भारतीय जनता पार्टी से है ये यहाँ पे सिर्फ 1400 वोट से पीछे चल रहे हैं और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी 1,40,000 से पीछे। बहुजन समाज का एक समय गढ़ हुआ करता था भंडारा और उसमें अभी वो पीछे चल रही है। इसमें एक और एनालिसिस में बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो राजनीति चल रही है हम बहुजन पॉलिटिक्स की भी इसमें बात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देश भर में जो मैं इसमें रुझान देख पा रहा हूँ जैसे कि अकोला की एक हॉट सीट कही जा रही है, उस पे आएंगे इसी के बाद अकोला का जो आंकड़ा है वो निकाल के रख दीजिए। उसमें एक रुझान मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे जो दर्शक है डब्ल्यू एच न्यूज से जुड़े हुए कि जो देश भर में बहुजन पॉलिटिक्स की हम लोग जो बात करते थे, बीएसपी की बात करते थे, वंचित की बात करते थे और भी कई सारी पार्टियां थी जो रिपब्लिकन पार्टीज की बात करते थे, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की तो हम खुशी मना ही रहे हैं या लोग खुशी जो उनकी मना रहे हैं, पर जो बहुजन पॉलिटिक्स में काफी वैक्यूम आ चुका है जहां बीएसपी 19 सीटें 20 सीटें 30 सीटें में कभी काशीराम जी के जमाने में रहा करते थे, आज उसका आंकड़ा 0 हो चुका है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी का भी जो आंकड़ा है जो कहा जाता था कि 2019 में क्रूशियल फैक्टर है पर आज वो फैक्टर कहीं काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बहुजन पॉलिटिक्स के लिए काफी शोकांतिका का समय है और इंडिया आघाड़ी के लिए खुशी का समय। बहुजन जो नेता है उनने भी ये सोचने वाली बात है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता की चाबी हाथ में लो। हाँ। अगर हमारे नेता वही जो संदेश बाबा साहब ने दिया है वो भूल चुके हैं और इसका नुकसान ये मोरली समाज को इफेक्ट करेगा, जितना ये नेताओं को इफेक्ट नहीं करेगा उतना ये समाज को इफेक्ट करने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी गंभीर बात है कि इस बार जो है 2024 के चुनाव का जो अंबेडकरवादी जो मतदाता है उनका रुख अलग था और जो नेताओं ने जो रुख अपनाया बिल्कुल अलग वो रुख अपनाया है और उसका जो फायदा जो है सीधे सीधे तौर पर इंडिया आघाड़ी को होते दिखाई दे रहा है। लोना जी से मैं बात करूंगा इसी विषय पर क्योंकि अम्बेडकर मूवमेंट का जो मतदाता है इस बार क्यों अपना जो नेता को छोड़ के इंडिया आघाड़ी के तरफ में उनका रुख चले गया है? देखिए ये जो लोकसभा चुनाव जो हुआ 2024 का हाँ। जो 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ ये यानी संविधान खतरे में है। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर संविधान खतरे में है इस मुद्दे पे हुआ और अम्बेडकरी जो जनता है उन्होंने सोच लिए कि अभी इंडिया आघाड़ी जो बनी है हमें उन्हीं के साथ जाना है अगर संविधान को बचाना है। बिल्कुल। और इसीलिए ये जो रुझान मैं थोड़ा एक रुकना चाहूंगा, एक बढ़त आ गई है महाविकास आघाड़ी की जो है 20 सीट पे लीड पर है और जो नहीं महाविकास ने महायुति की जो है 20 सीट पहले 17 थी अभी 3 सीट ने बढ़त बनाई ली है और महाविकास आघाड़ी की 27 सीट पे लीड है कहीं आगे। तो ये जो है जो अम्बेडकरी जो मतदाता है बहुजन मतदाता है उनका जो रुझान जो है वो यानी सभी के सभी जो यानी महाविकास आघाड़ी की ओर इंडिया गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है क्योंकि
एक तरफ कहा जा रहा था संविधान खतरे में है और संविधान खतरे में है, इसी मुद्दे पे ये देश का लोकसभा चुनाव हुआ और जो अंबेडकरी मतदाता है, बहुजन मतदाता है, उन्होंने इंडिया गठबंधन को साथ दिया। और साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की भी हम बात करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं ने भी इस बार बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग करने गए। क्या मुद्दा था उनका भी? देखो मुस्लिम मतदाता जो है, मुस्लिम मतदाता ये जो है पहले से कांग्रेस के साथ, बिल्कुल उन्होंने सोच ली कि हमें कांग्रेस को ही देश में फिर से सत्ता पे लाना है और इंडिया गठबंधन बन गया। बिल्कुल दलित बहुजन मुसलमान मुस्लिम भाई, हमारे बहुजन भाई, दलित भाई, ये सब इकट्ठा हो गए और महा जो विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन इसे साथ दिया। इसीलिए आज जो रुझान आ रहे हैं परिणाम अलग दिख रहे हैं नीचे से आप देख सकते। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि देश में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कारण है। नीतीश कुमार जो है, क्या नीतीश कुमार पासा पलटेंगे? नीतीश कुमार जो है वो टाइम पर पासा पलटेंगे ऐसी कहा जा रहा। निश्चित रूप से मैं महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बताऊंगा, महायुति की मैं पहले बताऊंगा कि महायुति की जो है 12 जो जगह पर जो है भाजपा लीड कर रही है, साथ ही 7 जगह पर शिवसेना लीड कर रही है और 1 जगह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अजीत दादा की वो लीड कर रही है। साथ ही जो है मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूंगा, उस 11 जगह पर जो है कांग्रेस लीड कर रही है, 9 जगह पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लीड कर रही है और तो 7 जगह पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो पार्टी है लीड कर दिए। बहुत ही जो है यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का जो लीड का प्रमाण है बहुत आगे बढ़ रहा है, 2019 के मुताबिक कई गुना ये आगे बढ़ रहा है। मैं अथांग के तरफ में जाऊंगा और मैं जानूंगा अकोला का, अकोला में क्या स्थिति है, अकोला जो ये सीट है यहाँ पर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर यहाँ पर मैदान में थे और बहुत बड़ी हॉट सीट थी और इस सीट के ऊपर में पूरे समूचे महाराष्ट्र का लक्ष्य लगा था और जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो तमाम जो कार्यकर्ता थे कि वो बता रहे थे कि बाड़ा साहेब अम्बेडकर यहाँ से चुन के आ रहे हैं, भारी मतों से आ रहे हैं, मगर यहाँ पर जो अकोला में WH न्यूज ने सर्वे किया था और WH न्यूज ने बताया था कि अकोला की सीट जो है इस बार कांग्रेस के साथ में जा रही है और WH न्यूज का अनुमान जो है वो सही होते दिखाई दे रहा है। मगर अभी लेटेस्ट फिलहाल की स्थिति क्या है मैं अतंग से जानना चाहूंगा। अतंग क्या स्थिति है अकोला की? अभी देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,65,000 से आगे चल रही है, 1,65,000 से आगे वोटिंग चल रही है, उनका वोटिंग आया है, 10,000 से वो आगे, 10,000 से आगे। और जो ट्रेल कर रहे हैं अनूप धोत्रे, जो संजय धोत्रे के जो पुत्र थे बीजेपी से खड़े हुए थे, वो 1,56,000 के पास में चल रहे हैं, 10,000 से पीछे चल रहे हैं। और जो सबसे हॉट सीट एक बहुजन मूवमेंट के लिए मानी जा रही थी प्रकाश अम्बेडकर की, जिसे पूरी दुनिया की पूरे देश की नजर थी, वो सीट 1,12,000 के पास चल रही है और 54,000 से पीछे चल रही है। तो ये सोचने वाले अम्बेडकर को बहुत बड़ा झटका है, तीसरे नंबर पे बड़ा सा अम्बेडकर जा रहे हैं। जो सीटें कभी मत विभाजन के तौर पे देखी जाती थी दूसरे नंबर पे हम लोग देखा जा सकता था, आज प्रकाश अम्बेडकर को बहुजन पॉलिटिक्स में तीसरे नंबर पे आना कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को एक सेटबैक देने जैसा काम किया जा रहा है। अभय पाटिल और अनूप धोत्रे जैसे जो नए लोग आए हैं, नए लोग हैं और जो 25 साल से वहां पे लड़ रहे हैं, तो उनके और नए कैंडिडेट में कितना डिफरेंस होना चाहिए था ये हमें भी जानकारी होनी चाहिए। जब महाविकास आघाड़ी और इंडिया ब्लॉक में आने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी इतनी उत्साहित दिखती है और आखिरी समय पे आकर वो पाला बदल देते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट जाएंगे, तो इसी का झटका प्रकाश अम्बेडकर, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी को लगने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो लीड है कहीं कवर होने वाली है, क्योंकि ये 11वें 12वें राउंड के ये नतीजे हैं और अभी 54,000 को पार करना मेरे लिए तो कहीं ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय बाड़ा साहेब अम्बेडकर 11 चुनाव लड़े है और 2 चुनकर भी आए हैं और दोनों बार चुनकर आए हैं, उस वक्त में अलायंस में ही चुनाव भी जीत के आए, मगर इस बार
जो है बाला साहब अम्बेडकर को एक जीतने का बहुत बड़ा अवसर था। अगर यदि मान लो चुनाव महाविकास आघाड़ी में जाते, इसी के ऊपर मैं लोनारी जी से बात करूंगा। लोनारी जी क्या बताएंगे, बाला साहब अम्बेडकर ने जो जो निर्णय लिया है, क्या सही निर्णय लिया है या गलत निर्णय लिया है, और आगे इन पार्टी का भविष्य क्या हो सकता है? देखो आदरणीय, हमारे लिए आदरणीय हैं एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी। उन्होंने वो बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, अम्बेडकर समाज का नेतृत्व करते हैं, और बहुजन समाज और अम्बेडकर समाज ने उनके ऊपर विश्वास रखा। 2019 में भी विश्वास रखा था और 2024 में भी विश्वास रखा था कि ये जो गठबंधन बना हुआ है, यानी महाविकास आघाड़ी बनी है, इंडिया गठबंधन बना है, इसमें प्रकाश अम्बेडकर जी शामिल था। लेकिन आखिरी तक के महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी इनकी इंतजार में थे कि प्रकाश अम्बेडकर जी हमारे साथ में, लेकिन आखिरी दौर पे अम्बेडकर साहब ने दगा दिया और एकला चलो रे का नारा लगा और वो अकुलासे लड़े। वो आप स्थिति देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, यानी तीसरे नंबर पे जाना ये हमारे लिए अम्बेडकरी समाज के लिए बहुत बड़ी शोकांति का है। सोचने वाली कहीं तो भी अम्बेडकरी मूवमेंट और अम्बेडकरी राजनीति खत्म होते नजर आई। ये 2024 में अच्छा मौका था, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने महायुति के साथ जाना जरूरी था, महाविकास आघाड़ी के साथ जाना जरूरी था, इंडिया गठबंधन के साथ जाना जरूरी था, नहीं गए। अगर 2024 में अगर ये प्रैक्टिकली अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब गए रहते तो आज प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद चुन के आए रहते। क्या होटो की जो प्रति ये परसेंटेज जो है पिछली बार में जो अम्बेडकर जी को मिला था लोकसभा में 41-42 लाख मिला था, उसके बाद में विधानसभा में उसका परसेंटेज गिरा, अभी इस बार के विधानसभा से भी कम प्रतिशत गिरेगा। अभी इस बार देखोगे आप तो सबसे कम यानी ये जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का मतदान गिरा हुआ है, क्योंकि लोगों ने जो अम्बेडकरी मतदाता है उन्होंने उनको नकारे, उनके राजनीतिक को नकारे, क्योंकि संविधान बचाना जरूरी है और इसी मुद्दे पे ये लोकसभा चुनाव लड़ा गया और अम्बेडकरी समाज जो मतदाता है उन्होंने इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी को समर्थन। इसमें एक बात में बोलिए, मेरा कुछ एनालिसिस है सर की बात से मैं वाकिफ रखता हूँ कि उन्होंने कहा कि बहुजन मूवमेंट का जो डिक्लिनेशन हुआ है इस देश में, इसमें एक एनालिसिस ऐसा देख के आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में आएंगे हम, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ी सीट है, वो थांग बताएंगे आपको। चंद्रशेखर रावण जो है वो आघाड़ी पे चल रहे हैं, बताइए उसी पे मैं एक मैं वोटिंग भी बताइए परसेंटेज, उसका वोटिंग परसेंटेज भी मैं बताता हूँ। जैसे कि 3,14,000 ये वोटिंग चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी काशीराम को आ चुके हैं और ये कम से कम 75,000 से यहाँ पे लीड ले रहे हैं। 75,000 ये एक बहुजन मूवमेंट के लिए आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पे पूरे जो लीडर्स हैं अकेले के दम पर उन्होंने आए हैं। जैसे रामविलास पासवान जी को देखा जाता था कि दलितों के लिए जो लोजपा है वो एक प्रकार से पूरे देश में अपना अस्तित्व रखता था, फिर बीएसपी ने रखा, फिर उसके बाद में तमिलनाडु में मूवमेंट बढ़ा जो द्रामुक मूवमेंट था। पर हम लोग जो देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक युवा आता है, भीम आर्मी की स्थापना करता है और उसके बाद में विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में वो अपना परचम लहराता है, फिर नगीना की एक जो नई सीट है जहाँ पे बीएसपी का सिटिंग एमपी रह चुका है उस सीट को टक्कर देता है। तो ये बहुजन मूवमेंट के लिए एक सोचने वाली भी बात है, क्या हमारी लीडरशिप को हम लोग स्विच करने जा रहे हैं? क्या प्रकाश अम्बेडकर मायावती के ऊपर जो समाज का विश्वास था वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ बढ़ रहा है? ये भी बहुत सोचने वाली और डिबेटफुल बात होने वाली है कि आने वाले समय पे इस देश का दलित बहुजन वर्ग किसके पीछे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े और जो दरेकर की जो है यहाँ पर एक बैठक चलने की जानकारी हमारे पास में आएंगी। मैं आतंक आपके तरफ में और आऊंगा, अकोला का हो गया, थोड़ा बुलढाणा का भी बताइए क्या स्थिति है, बुलढाणा की वहाँ की भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है बहुत ही बड़ा कड़ा मुकाबला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुत बड़ी हार होते हुए दिखाई दे रही है। क्या बुलढाणा का आंकड़ा है आतंक, बताइए थोड़ा। बिल्कुल बुलढाणा हमारे पास में आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से आंकड़े हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े 1,87,000
हजार का आंकड़ा जाधव प्रताप राव गणपतराव शिंदे गट के 15,000 से यहाँ लीड बनाए हुए हैं। शुरू से ही लीड बनाई है इन्होंने। और नरेंद्र खेड़ेकर जो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के, ये 15,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, 15,800 वोट से नीचे चल रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये भी अच्छी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो इन्होंने 1,00,000 का यहाँ पे बिल्कुल आंकड़ा पार कर चुके हैं, रविकांत तुपकर जी। निश्चित रविकांत तुपकर की भूमिका जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रही है, निर्णायक रही है। मान लो रविकर जी तुपकर इस मैदान में यदि नहीं होते तो उद्धव सेना और शिंदे सेना के बीच में कड़ी लड़त होती, और जो है उद्धव ठाकरे की जो सेना है यहाँ पर बढ़त भी बना सकती थी। तो और भी हम आगे चलेंगे और आगे की बात करेंगे, थोड़ा अपन यवतमाल वासिम के भी तरफ में जाएंगे। मैं लोनार जी, यवतमाल वासिम का तुम आपका आंकड़ा निकाल के रख दीजिए, अथांग मैं लोनार जी के तरफ में भी जाऊंगा। लोनारी जी, ये जो पूरा जो महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में ये जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो कारण क्या हो सकता है? मैं देखो पहले आपको कहा कि ये कारण एक हो सकता है, कारण क्या है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ये जो थोड़ा फाड़ी का राजकारण जो महाराष्ट्र, बिल्कुल राष्ट्रवादी को फोड़ा गया, शिवसेना को फोड़ा गया, अच्छी सरकार चल रही थी, उद्धव बाळासाहेब मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे थे, कोरोना कार्यकाल में भी अच्छा काम कर रहे थे, ये कोई तो भी नाराजगी मतदाताओं में थी महाराष्ट्र के, और इसी का फटका अभी लोकसभा चुनाव में, इसी का फटका लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। यवतमाल का जो है, यवतमाल लोकसभा क्षेत्र का जो है आंकड़ा आप निकाल